हाय गाइस, तो हम लोग इस वक्त लंदन की स्पिटलफील्ड मार्केट के बाहर खड़े हैं। यहाँ आए थे किसी से मिलने, पर भी देखकर हिम्मत नहीं हो रहा है अंदर जाने की। मुझे समझ नहीं आ रहा कि लोग इतना रिस्पॉन्सिबल कैसे हो सकते हैं। लूसी ने तो साफ मना कर दिया है अंदर जाने से, पर मैं आपको अंदर का एक नज़ारा दिखाता हूँ। प्रोटेक्शन के लिए मैंने डबल मास्क और चश्मा पहन लिया है। होप इट विल वर्क। यहाँ का हालत तो देख के मुझे क्लियर लग रहा है कि थर्ड वेव तो आने ही वाला है और इसको कोई रोक नहीं सकता है। अगर आपको लगता है कि लंदन से कोरोना वायरस ख़त्म हो चुका है, तो मैं आपको बता दूं कि ये सिर्फ कम हुआ है और पूरे रेस्टोरेंट पूरी तरीके से पैक है, आप देख लीजिए। और अगर हम बाहर निकलते हैं तो अभी भी मास्क और डिस्टेंस जैसे रूल्स को फॉलो करना होता है, पर आप यहाँ ज़रा देखिए क्या हालत है इसकी। आधे से ज़्यादा लोग जो हैं, आप देख लीजिए, मास्क लगाए हुए नहीं हैं, ना कोई डिस्टेंस को फॉलो कर रहा है। होटल्स वालों ने तो ऐसे सर्विस देना शुरू किया है जैसे लग रहा है कि पूरा होटल को ही बाहर निकाल के रख दिया है। जैसा कि आपको मालूम है कि अभी भी होटल के अंदर खाना खाने की परमिशन या सर्व की परमिशन नहीं है, तो उन्होंने पूरा होटल ही बाहर निकाल दिया है। कोई भी रूल्स को फॉलो नहीं कर रहा है, कोई भी प्रोटेक्शन नहीं ले रहा है, और जैसे लग रहा है कि ये आज का ही मार्केट है, आज ख़त्म तो फिर कभी होगा ही नहीं। ये आप देखिए सुपरमार्केट के अंदर कितनी भीड़ है। हर तरफ जैम पैक। लोगों में ज़रा डर भी नहीं है, चेहरे पे मुस्कान देखिए, खुशियाँ देखिए, ऐसा लग रहा है कहाँ आए हैं पार्टी में। खाना खाने वाले तो ऐसा लग रहा है कि घर में कभी खाना बना ही नहीं है। लूसी एकदम कोने में खड़ी है जान बचाकर। और बाहर का भी नज़ारा आप देख लीजिए, कहीं जगह हो तो बताइए, कोई रूल्स फॉलो कर रहा हो तो बताइए। धूप खा रहे हैं ऐसे जैसे लग रहा है कि कम्युनिटी गैदरिंग हो रही है।